हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किरण्स ब्यूटी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेंट बोटानिका की ब्राइटनिंग नाइट क्रीम की रिव्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके आउटर पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसमें लिखा हुआ है विटामिन सी ई एंड हाइलोरोनिक एसिड ब्राइटनिंग नाइट क्रीम, और इसके साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पे विटामिन सी हाइलोरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को यंगर रखता है, विटामिन ई मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को सॉफ्टन करता है, स्मूदन करता है, शिया बटर, प्योर ऑयल्स, और इसमें है नेचुरल एक्सट्रैक्ट है ग्रीन टी, मोरिंगा, गुआराना एंड एलोवेरा। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये नो एनिमल टेस्टिंग, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट। तो ये सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी पैराबेन नहीं डाला हुआ और ये एनिमल में टेस्टेड नहीं किया है इन्होंने। बैक में यहाँ पर लिखा है इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं इन्होंने, और उसके नीचे यहाँ पे बैच नंबर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है 2019 और बेस्ट बिफोर लिखा हुआ है 2021। इसका मतलब इसकी शेल्फ लाइफ है 2 साल, और इसका प्राइस है 1199 रुपीज़। प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी 50 ग्राम। मैंने इसे नायका आई हार्ट ब्यूटी सेल से 899 रुपीज़ में परचेस किया था। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके इनर पैकेजिंग की। तो ये इस प्रकार के कुछ प्लास्टिक बॉटल में आता है, गोल्ड कैप के साथ ये काफ़ी रिच लगता है। आगे बात कर लेते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें सबसे पहले इसमें विटामिन ई है जो आपके स्कार्स को हील करता है, आपके एक्ने को ट्रीट करता है और हील भी करता है। ये स्किन को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है हाइलोरोनिक एसिड जो स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है, एजिंग के इफ़ेक्ट को स्लो डाउन करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें विटामिन सी जो आपके स्किन को के जो आपके स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को लाइटन करता है, स्किन डैमेज को रिपेयर करता है, फ्री रेडिकल से होने वाले स्किन डैमेज को रिपेयर करता है, स्किन टोन को इवन और लाइटन करता है। तो आगे देख लेते हैं कि हम ये क्रीम कैसी दिखाई देती है। ये कुछ पीच कलर की क्रीम है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक नहीं है, ये कुछ जेल जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी स्मेल काफ़ी माइल्ड है, स्किन पर हल्का ऑयली फील होता है बट बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। मैं इस क्रीम को ऑलमोस्ट 20 दिन से यूज़ कर रही हूँ। ये स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बनाता है और फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है। प्राइस वाइज ये क्रीम थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होती है तो ये आपको काफ़ी लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू यूज़ करने से आपको इसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। तब तक के लिए थैंक यू।